से और माता रानी की कृपा से निर्विघ्न भाई शादी के सारे प्रोग्राम संपन्न हो गए हैं। हो गया, ये ज्योति भक्ति आरती सब लगे हैं पैकिंग करने में। गई अनिल भाई की गाड़ी को ना एक बस वाले ने ठोक दिया यहाँ पे। पैसे देंगे क्या लेंगे ये सारी बातचीत हो रही है अभी। गाड़ी ठोक दी इसने। तो आज सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। और मौसम की बात करें दोस्तों तो मौसम देखे हुए कहीं कहीं पे बादल लगे हुए हैं, बाकी ऑलमोस्ट मौसम साफ है। धूप भी अच्छे से खिली हुई है और सुबह सुबह के टाइम पे मस्त चिड़ियों की चहचहाट है। सामने पे है माता रानी का सुंदर सा प्यारा सा मंदिर। तो माता रानी को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय माता रानी की। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है देशबंधु भगणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो चले दोस्तों, फाइनली भाई शादी भी हो गई है और आप लोगों की दुआ से और माता रानी की कृपा से निर्विघ्न भाई शादी के सारे प्रोग्राम संपन्न हो गए हैं। और भाई आज 11 मार्च है और आज तक की मेरी छुट्टी है और कल 12 मार्च है। 12 मार्च में हम ऋषिकेश जाएंगे और 13 तारीख को भाई मैंने ज्वाइन करना है स्कूल में। और मार्च का महीना चल रहा है, वैसे तो छुट्टी ज़्यादा लेनी थी मुझे, लेकिन मार्च का महीना चल रहा है तो बड़ी मुश्किल से भाई इतनी छुट्टी भी सेंक्शन हो पाई तो बड़ी बात है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह 8:30 बजे से। तो नाना धोना कुछ अभी हुआ नहीं, बाकी रस्म ने चाय पिला दी सुबह सुबह बढ़िया। वो इन दोनों भाई बहनों का सुबह सुबह कुरकुरे का नाश्ता हो रहा है। हेलो, यहाँ देखो, हाय करो, ये हाय करो, हाय करो पियो। इनकी बड़ी बहन तो ये कुछ और ही मस्ती में है। क्या लेके आई है ये क्या लेके आई? चीजी। कौन सी चीजी? ये वाला आपके? मेरे को भी दे दो। अब मुझे भी तो दे दो। इसकी मम्मी से मारेगी? दे दे पियो। पियो तो मिर्ची वो, ए देखो भाई कितनी प्यारी है हमारी पियो। मिर्ची भी लग रही पर खा भी रही हो। तो चलिए भाई, यहाँ पे मैंने आग जला दी है नहाने धोने के लिए। भाई इस पे पानी गर्म करेंगे, आजकल हमारा पहाड़ी गीजर यही बना हुआ है भाई। तो चलिए जी, थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाएगा तो नहा धो लेंगे। तो दोस्तों दिन के 11 बज रहे हैं, नाश्ता पानी हमारा हो गया है। बाकी भाई आज हमारा प्लान चेंज हो गया, हम जा रहे हैं यहाँ से देहरादून की तरफ, क्योंकि भाई थोड़ा सा काम पड़ गया इमरजेंसी वाला और एक दोस्त जा ही रहा था तो उसकी गाड़ी में हम जा रहे हैं। बाकी भाई हमारी पैकिंग वगैरह हो गई और रश्मि मैडम भी पैकिंग वगैरह करने पर लगी हुई है। ये हमारा बैग है। हाँ जी साहब, हो गए तैयार? अभी हो रही है। तो नहाना धोना हो गया इसका, बाकी भाई अभी कपड़े वगैरह पहनते हैं। नाश्ता हो गया, 12 बजे के आसपास हम यहाँ से देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। तो चलिए भाई, दिन के अभी 11:30 बज गए हैं और अनिल भाई का भाई फोन आ रहा कंटिन्यू कि क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। 12 बजे का टाइम दे रखा है लेकिन अभी थोड़ी बहुत टाइम हमारे पास बचा हुआ है। मैं तो भाई 10 मिनट में हो गया तैयार, लेकिन मैडम जी भाई तैयार होने का नाम ही नहीं ले रहे। अलमारियां पूरी खुली खुली पड़ी है, सारा अस्त व्यस्त हो रखा है अभी। बाकी ज्योति भक्ति आरती सब लगे हैं पैकिंग करने में। दोस्तों फाइनली भाई हमारी तैयारी हो गई है और रस्म भी तैयार हो गई है और भाई हमारा सामान वगैरह सब पैक हो गया। गुन्नू आ जाएगी तो ठीक है। गुन्नू बाय बाय। ओके बाय। हाँ ठीक है गोल्डी ब्लॉगर, बाय बाय। ठीक है बाय 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 आरू, बाय आरू। चलो ठीक है जी, ज्योति जी है। रो काहे को रही, अभी फिर आएंगे भाई। रश्मि मैडम सबको धीरे धीरे करके पैसे बांट रहे। भाभी आज पैसे बांट रही, आ जा ले ले भाई। चलो भाई फाइनली सारे लोगों से मुलाकात हो गई है और आज हम जा रहे हैं देहरादून। तो आज पहली बार मेरे साथ रश्मि मेरे कमरे पे जाएगी देहरादून
और हम दोनों ही जा रहे हैं अभी केवल। कल एक दिन हमारे पास रहेगा पूरी सेटिंग वगैरह करने के लिए, सामान सामान सेट वगैरह करने के लिए। फिर मुझे 13 तारीख को ज्वाइन करना है और 13 तारीख को ही शाम को हमने ऋषिकेश भी निकलना है रश्मि लोगों के घर पे। बाकी भाई रश्मि अभी सारे लोगों से मुलाकात कर रही है, उसको माँ जी और बहनें लोग छोड़ ही नहीं रहे, तो थोड़ा सा होता है ना इस टाइम पे इमोशनल होते हैं। अनिल भाई ने गाड़ी इसके ऊपर ला दी अपनी और कॉल करने पे लगे हैं, तो ऐसे भी दोस्त होने चाहिए भाई, खुद ही बुला रहे हैं, खुद ही अपनी गाड़ी से हमको छोड़ने जा रहे हैं, तो धन्यवाद अनिल भाई जी का। बाकी भाई बादल देखो आसमान में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो चलो भाई अभी अनिल भाई की गाड़ी में सारे सामान की पैकिंग सैकिंग हो रही है। जय हो भुप्पी भाई, क्या हाल है, कैसन बा, सब झकास, चलो ठीक है भाई, देहरादून जाने की तैयारी यार। तो धन्यवाद भाई सारे भाई लोगों का भी, अनिल का भी भाई। हाँ अरे तब है तो हम भी तैयार है। तो चलो भाई सारे लोग सड़क पे आ गए हमको छोड़ने के लिए, तो चले भाई अनिल भाई, चलो साहब चलो। अभी हम पहुंच गए हैं लम गांव में और यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम हो गई अनिल भाई की गाड़ी को, ना एक बस वाले ने ठोक दिया है यहाँ पे। चलो ठीक है, और मैं दिखाता हूँ कितनी ठुकी है गाड़ी अभी यहाँ पे, थोड़ा भाई साहब हटो जरा है, एक मिनट है। ये देखो भाई यहाँ से ठुकी गाड़ी, ये पूरा निकल गया इसका, ये ठुक गई भाई पूरी गाड़ी। और यहाँ पे सारे पुलिस वाले लोग सारे लोग आ रखे थे अभी, और अभी इनकी बातचीत चल रही है कितना पैसा देंगे क्या लेंगे, ये सारी बातचीत हो रही है अभी। और देखो भाई जाम भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, जाम में हम इधर ही फंस गए बहुत टाइम से। और चलो भाई बड़ी मुश्किल से अभी बस वाले से बातचीत हुई और थोड़ी बहुत निपट गया है मामला। क्या यार भाई गाड़ी ठोक दी इसने, अब क्या, अब क्या बोलो, उन्होंने ऋषिकेश में होगा काम हाँ। मैकेनिक का नंबर दिया है और बोला कि भाई इससे काम करवा देना, जितना भी पैसा होंगे वो लोग दे देंगे कि बस वाले, तो देखते हैं अभी क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है भाई लमगांव में, यहाँ ये सब होता ही रहता है, लेकिन गाड़ी घोड़ों में ना ठुकते भी रहती गाड़ी, लगते भी रहती, लेकिन प्यार प्रेम से जो निपट जाए वही सही है। चल 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 ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए दोस्तों फाइनली भाई हम पहुंच गए हैं डोबरा चाटी में, और अभी डोबरा चाटी पुल के ऊपर हैं हम, अभी ड्राइविंग मैं कर रहा हूं, अनिल भाई पीछे आराम फरमा रहे, साथ में रमेश भाई भी हैं और रश्मि मैडम आगे बैठी हुई है। कैसा लग रहा है जी मैडम जी, बढ़िया लग रहा है। अनिल भाई बोलो आगे देख रहे हैं, बाकी भाई ब्लॉगिंग अब तभी होगी जब मैं ड्राइविंग नहीं करूँगा, क्यों अनिल भाई, बिल्कुल क्योंकि खतरे से खाली नहीं है भाई, ड्राइविंग भी कर रहा हूँ और ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ, साथ में भाई गाने भी चल रहे हैं, कॉपीराइट भी आ ही जाएगा, खैर कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों शाम के 7:30 बज गए हैं और हम देहरादून में पहुंच गए हैं, अनिल भाई यहाँ पे बैठे हैं, अनिल भाई जा रहे हैं अपने दुकान के सामान के लिए लुधियाना, रात की बस से जाएंगे, बाकी इनके साथ में रमेश भाई जी भी हैं। और बाकी भाई रश्मि पहली बार भाई हमारे रूम पे आ रही है, तो उसका भाई स्वागत वगैरह कुछ भी नहीं हो पाया, कैसा लग रहा है रूम, ठीक लग रहा है, और इसकी तबीयत खराब हो रही है गाड़ी में, बाकी चाय बनाने की कोशिश कर रही, देखते हैं कि बनती है इससे चाय की नहीं बनती, गैस ही नहीं चला पा रही। Thank you.